हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये एक कंपनी हमारे पास मौजूद है रामा एंटरप्राइजेस के नाम से, इसे मैं क्लोज करूंगा। हम एक न्यू कंपनी बनाएंगे, तो चलिए न्यू कंपनी बना लेते हैं। सबसे पहले कहां चलना है, हमें F3 प्रेस करना है, फंक्शन बटन F3, तो आप प्रेस कर दीजिए और नई कंपनी हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट कंपनी पर चलते हैं और कंपनी किस नाम से होगी वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं किसी नाम से बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं यहां बना दे रहा हूं कॉर्पोरेट। एंटर प्रेस कर दिया यहां पर एड्रेस आ जाएगा, ये हमने डाल दिया एड्रेस। ओके, एंटर प्रेस किया और यहां पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश कर दिया हमने और यहां पर पिन कोड आ जाएगा। एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आ जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 1 अप्रैल से हमेशा से स्टार्ट होता है, ये तो आपको पता ही है। आपका काम कब से स्टार्ट होगा वो यहां पे दे दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने एक नई विंडो खुल करके आएगी जो कुछ इस तरह की होगी। हो सकता है कि आपको ये कॉस्ट सेंटर ऑप्शन ना दिखाई पड़े, तो यहां पर आपका ये जो फीचर ऑप्शन है शो ऑल फीचर्स, ये होगा नो। तो जैसे ही नो हो जाएगा ये, तो ये हो सकता है कि कॉस्ट सेंटर ना दिखाई पड़े। और यहाँ पे शो मोर फीचर, ये भी कभी कभी अगर नो हो जाता है तो ये कॉस्ट सेंटर ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से इस फीचर को, यानी कि ये वाला जो फीचर है यहां पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे यस कर देना है। ठीक है, और बाकी की चीजें शो ऑल फीचर्स अगर फिर भी ना दिखाई पड़े तो शो ऑल फीचर्स को भी आप कर दीजिए यहां से यस। ठीक है, तो ऑल फीचर्स आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। अब यहां पर क्या करना है, आपको कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को वाई प्रेस करके कर देना यस। ठीक है, ये यस हो गया। अब ये कॉस्ट सेंटर इनेबल हो चुका है, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, ये इनेबल हो गया हमारा कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अभी हमने कंपनी में पैसा रिसीव नहीं कराया है। ठीक है, और ये पुरानी कंपनी को क्लोज भी नहीं किया, क्लोज कर देते हैं। F3 बटन प्रेस करते हैं और यहां से आ जाते हैं रामा एंटरप्राइजेस पर, सर्ट कंपनी पर, और एंटर प्रेस कर देते हैं और रामा एंटरप्राइजेस को क्लोज कर देते हैं यहां से एंटर प्रेस करके। तो ये रामा एंटरप्राइजेस क्लोज हो गई, आप देख सकते हैं नो वाउचर सेंटर दिखा रहा है यहां पे। ठीक है, ये तो कंपनी बनाने की बात हुई और कॉस्ट सेंटर इनेबल करने की बात हुई। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या है। एक छोटा सा उपयोग मैं आपको दिखा देता हूं, आगे चल करके डिटेल में भी इस पे बात करेंगे हम। यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एंट्री पास करनी है, तो उस सबसे पहली एंट्री जो पास करनी है कि हम अपने कंपनी में पैसा रिसीव करा लें, तो इसके लिए F6 बटन प्रेस कीजिए और यहां पर जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल सकते हैं आप। वो डेट आएगी जिस डेट पर पैसा कंपनी में रिसीव हो रहा है, मैं यही डेट रख देता हूं। ठीक है, क्रिएट यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आप टैली ERP9 यूज करते हो तो आपको ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना पड़ेगा। यहां पर भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर क्रिएट लिखा हुआ ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूं। यहां पर एक खाता यानी कि लेजर हमें बनाना होगा, किस चीज का, हमेशा की तरह कैपिटल अकाउंट का लेजर हमें बनाना होगा। तो यहां लिखता हूं कैपिटल अकाउंट, टैली में अकाउंटिंग में जो भी पैसा पूंजी हम निवेश करते हैं अपने बिजनेस के पर्पज से, उसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, उसे हम और कुछ नहीं कहेंगे, कैपिटल ही कहेंगे, तो ये कैपिटल अकाउंट के अंडर में जाएगा। ठीक है, ग्रुप का सही सिलेक्शन जरूर करिएगा, क्योंकि ग्रुप का अगर गलत सिलेक्शन करेंगे तो सब कुछ उल्टा फुलटा हो जाएगा और फिर आप सही से एंट्री नहीं पास कर पाएंगे। तो ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, एंटर प्रेस करता हूं और इसे एक्सेप्ट करा लेता हूं मैं। ठीक है, अब कितना कैपिटल आप कंपनी में लगा रहे हैं वो देख लीजिए, मैं यहाँ पे 60,000 रुपए निवेश कर रहा हूं कंपनी में। ठीक है, और यहां पे कर देता हूं कैश, तो ये हमारी कंपनी जो है इसमें 60,000 रुपए हमने लगा दिया। अब इसमें कुछ परचेजिंग सेल्स वगैरह जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं सीधे आ जाता हूं कॉस्ट सेंटर वाली बात पर, कॉस्ट सेंटर हमें कैसे यूज करें कॉस्ट सेंटर का। तो यहां पर हम आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि डेट चेंज कर लेता हूं, यहां से F2 प्रेस करता हूं और यहां पे मैं कर लेता हूं 1/5/2020। ठीक है, 1/4/2020 था, अब 1/5/2020 हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, 1/5/2020 को सैलरी देंगे अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, हालांकि मैंने कुछ खरीदा या बेचा नहीं है अपने कंपनी के थ्रू, तो भी मैं यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं पेमेंट वाउचर में। ठीक है, पेमेंट वाउचर में जाने के लिए F5 प्रेस कर लीजिए, पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। यहां पर कोई इनवॉइस नंबर जो भी हो वो डाल दीजिए यहाँ पे, और 1 मई को ही सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ 1 मई 2020 आ चुका है। ठीक है, यहां पर हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, सैलरी का एक लेजर बना लीजिए, खाता बना लीजिए, सैलरी लिखा हमने, और सैलरी क्या होती है, सैलरी होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देता हूं, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते हुए इसे करा लेते हैं एक्सेप्ट।
ये एक्सेप्ट हो गया। कितनी सैलरी हम दे रहे हैं, हमारे यहाँ चार स्टाफ काम करते हैं, उन चारों को हम सैलरी कितनी रुपए दे रहे हैं, 1,20,000 रुपए कुल मिलाकर हमने सैलरी दिया है, ठीक है। तो ये 1,20,000 हमने यहां लिख दिया है। अब यहां पे अपने आप आ गया नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, ठीक है। कॉस्ट सेंटर का आपको नाम देना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे क्रिएट पे जाएंगे और उस एम्प्लॉय का नाम हम दे देंगे। जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय है राम, ठीक है, इसे हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। अब यहां पे 1,20,000 टोटल आ रहा है, लेकिन आपको 1,20,000 सैलरी तो देना नहीं है, कितना देना है, 10,000 रुपए इनको दे रहे हैं आप, ठीक है। तो ये 10,000 कर दिया आपने। फिर यहां पर एक और स्टाफ है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके सकते हैं आप फिलहाल यहां से, और यहां पर आ जाते हैं क्रिएट पर, ठीक है, या अल्ट के साथ सी भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहां कर देता हूं श्याम, ये सेकंड एम्प्लॉय है हमारे, और इनको भी हम सैलरी दे रहे हैं। कितनी सैलरी दे रहे हैं इनको, दे रहे हैं 12,000 रुपए, ठीक है। तो ये 12,000 कर दिया हमने, एक को 10,000, एक को 12,000। एक हमारे यहाँ स्टाफ है लेडीज स्टाफ, जिनका नाम है फातिमा, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके फातिमा यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये हमने कर दिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कराया। तो अब यहां पर देना है, तो यहां पर इनको हम देना है 8,000 रुपए, ठीक है, एंटरप्रेस किया। फिर यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, अगले जो स्टाफ है, तीन चार जो भी स्टाफ है, अब मान लीजिए एक मेन जो स्टाफ है, ठीक है, मैनेजर है कोई, ठीक है, जिसका नाम है अमित, ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और यहां पर एंटरप्रेस करके, और इनकी जो सैलरी है सबसे ज्यादा है 90,000 रुपए है, ठीक है। तो यहां 90,000 कर दिया हमने और एंटरप्रेस किया। अब यहां पर हम ये पैसे दे रहे हैं कैश में, तो ये कैश कर दिया हमने, और ये देखिए यहां पर 60,000 रुपए माइनस में आ रहा है, रेड में आ रहा है। ये एंट्री हमेशा गलत होगी, जब भी आप रेड में एंट्री करोगे ना, ये हमेशा गलत मानी जाएगी। ये क्यों गलत मानी जाएगी, क्योंकि हमारे पास कैश है नहीं, देने की कोशिश फिर भी हम कर रहे हैं, तो अंत में आप पकड़े जाते हैं जबकि ऑडिट होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपके पास जितना कैश है उतना ही दीजिए, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। फिलहाल हमने दे दिया है, कोई बात नहीं, इसे एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। और इसे सुधार करने का तरीका क्या है कि आपको उसी डेट पर जाना है कहां पे, या उससे पहले के डेट में चले जाइए अकाउंटिंग वाउचर में, और यहां से F6 प्रेस कर लीजिए रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए, और जो कैपिटल अकाउंट है वो यहां पे लेजर लगा दीजिए, और मान लीजिए कि यहां पे 60,000 रुपए और मैं ले लेता हूं, और एंटर प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जब आप पुरानी एंट्री अपनी देखेंगे, यहां से दो बार डी प्रेस करता हूं डिस्प्ले में जाने के लिए, और जो हमने पेमेंट किया था, अब देखिए यहां पर जो है ये जो कैश है ये नील हो चुका है आपका, ठीक है, आप देख सकते हैं। कुल मिला के पूरा कैश आपने वितरित कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी कैश आपके कंपनी में था वो सैलरी के रूप में दे दिया, इसीलिए यहां पे जीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको सही भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा कैश देना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे बढ़ा करके रिसीव करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इससे कुछ आपको ठीक लगेगा कि कॉल सेंटर कैसे कैसे हम यूज करेंगे। आगे चल करके इस पर और भी ज्यादा डिटेल में टेलीप्राइम में वीडियो बनाता जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।